नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों का खासकर लगातार इस तरह के संदेश आ रहे हैं, इस सर आगे एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, हम करें क्या। मतलब एक डिप्रेशन का माहौल बच्चों में देखने को मिल रहा है। निसंदेह वो अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि इस तरह की महामारी हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखी है। सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा है वो ये है कि परीक्षा होगी कब। आज कोई नहीं जानता कि कौन सी एग्ज़ाम कब होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। ये बीमारी कब तक चलेगी, कितना लंबा समय वापस ठीक होने में लगेगा, इसके बारे में तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ तय है कि जब भी ये सब कुछ सामान्य होगा, एक बार फिर से वही दुनिया शुरू हो जाएगी जिसको हमने मार्च में छोड़ा था। तो ये तो तय मानिए कि एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम कोई आपाधापी में नहीं होगी कि अचानक आपको 5 दिन पहले कह दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के लिए निसंदेह सरकार आपको पर्याप्त समय देगी। जो भी प्रतियोगी परीक्षा करने वाली एजेंसी हैं वो आपको पर्याप्त समय देंगी। 3-4 महीने तो आप कम से कम मानो कि आपको बता दिया जाएगा कि परीक्षा कब है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इस दौरान आप क्या करें। निसंदेह आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम पढ़ना है, पढ़ें लगातार। लेकिन यह भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करें। आप अपना जो भी काम करते हैं, अगर आप निजी सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ काम कीजिए, यदि आप सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ काम कीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, निरंतरता बनाए रखें। रोज़ चाहे 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर। ये नहीं कि आप 1 महीने तक आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है तो आपको नुकसान हो जाएगा। एक और प्रश्न लगातार बच्चों का आता रहता है कि सर ऑनलाइन पढ़ें या नहीं पढ़ें। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास संसाधन हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका समय तय कीजिए। मेरी निजी राय है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ऑनलाइन पढ़िए। इससे ज़्यादा आप अगर मोबाइल पे स्क्रीन के सामने समय बिताएंगे तो न केवल आपकी आँखों को नुकसान है, बल्कि आपका जो एकाग्रता है वो भी काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन क्लासेज पहले सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेज चल रही हैं ऑनलाइन, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना कि कौन सी क्लास आपके लिए उपयोगी है और कौन सी क्लास आपके लिए उपयोगी नहीं है। जब एक बार आपको ये हो जाए आइडिया कि ये क्लास मेरे लिए उपयोगी है, तो उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। लेकिन समय तय कीजिए, ये नहीं कि आप दिन में 5 या 10 घंटे यूट्यूब पर बिता रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेज देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। दूसरा प्रश्न ये आता है कई बच्चों का कि हमारे पास तो ऑनलाइन क्लासेज हैं नहीं, तो क्या हम पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं पिछड़ रहे हैं। पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है पुस्तकें, उनको आप प्रथम स्थान पर रखिए। किताबें अच्छी मानक पुस्तकें, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उसके बाद अगला काम है एक योग्य शिक्षक को, एक योग्य मार्गदर्शक को ढूंढना। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके गाँव का अध्यापक हो सकता है, वो आपके गाँव का स्नातक हो सकता है, वो आपके गाँव का कोई भी सफल इवन रिटायर्ड व्यक्ति भी हो सकता है। आप उसके पास जाइए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और पुस्तकों को पढ़िए। किसी भी आपके दोस्त के नोट्स, किसी भी कोचिंग के नोट्स आपको सफलता नहीं दिला सकते, न कोई एक गाइड आपको सफलता दिला सकती है। आप एक योग्य शिक्षक को देखिए, एक गाइड को देखिए, नोट्सों को देखिए, मानक किताबों को देखिए, लेकिन उसके बाद अपने लिए, खुद के लिए, खुद के नोट्स तैयार कीजिए। उनका कोई भी विकल्प है ही नहीं। अब एक चीज़ और है कि पढ़ने का जो तरीका है वो आपका क्या रहे। एक तो निरंतरता बनाए रखें, वो अति आवश्यक है। अगर निरंतरता नहीं है तो आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, चाहे वो RBSE की हों, चाहे NCERT की हों, कक्षा 6 से, और इवन गणित और विज्ञान के लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कक्षा 1 से किताब ले लीजिए और उनको 10 तक ले आइए। कक्षा 1 से लेकर 10 तक की जो RBSE हैं, NCERT की बुक्स हैं, उनको देखिए, पढ़िए और उनमें से फिर अपने लिए खुद के नोट्स तैयार कीजिए, अपनी समझ को विकसित कीजिए। क्योंकि परीक्षाओं का जो पैटर्न आप देख रहे हैं निरंतर, सीधे याददाश्त पे या मेमोरी बेस्ड प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जहाँ आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है, जहाँ आपकी जो समझने की क्षमता है उसका भी वो टेस्ट कर रहे हैं। तो आप पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद उसे अपने शब्दों में, अपने नोट्स के रूप में विकसित कर लीजिए। अब आता हूँ मैं अपने विषय पर। इसके लिए भी काफ़ी विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि इतिहास के लिए हम कैसे पढ़ें। अगर आप स्ट्रिक्ट स्टूडेंट हैं
और इसके स्टूडेंट नहीं है, दोनों स्थितियों में आपको करना क्या है? करना ये है, पहले आपको जैसे बताया स्कूल शिक्षा की जो किताबें हैं उनसे शुरू कीजिएगा और 12th तक आ जाइए। 12वीं तक की आपने किताबें एक बार पढ़ ली तो आपकी एक समझ, अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाएगी। उसके बाद अगला काम होगा मानक पुस्तकें। इतिहास की यदि बात करें तो भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास और राजस्थान का इतिहास, इन तीनों के लिए आपके पास कम से कम एक मानक पुस्तक पक्की होनी चाहिए। उसको पढ़िए, अपनी समझ विकसित कीजिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि लास्ट में आपको, आप कितना भी पढ़ें लेकिन अगर 15 या 20 दिन जो आपके अंतिम हैं उनमें उनको आप दोहरा नहीं पाते तो एग्ज़ाम में वो रिजल्ट नहीं आ पाता जिसकी आप आशा करते हैं। तो आप अपने नोट्स विकसित कीजिए। मानक पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है, वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद आप एक योग्य मार्गदर्शक की तलाश कीजिए। वो शिक्षक हो सकता है, वो आपका सीनियर हो सकता है, वो कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया पहले की तरह चलने लग जाएगी, तो फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाएगा, वही परीक्षाएँ होगी, वही योग्यता का परीक्षण होगा। तो ये आप पर निर्भर है कि आप इसे आपदा मानते हैं या अवसर मानते हैं। विद्यार्थी के रूप में आपका एक ही धर्म है, विद्या का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना और खुद को जो आगे प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, होने वाली हैं, उनके लिए परफेक्टली तैयार करना। उसमें अगर आप ढिलाई बरतते हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। इतना ही संदेश है आप लोगों के लिए मेरा। निसंदेह पढ़िए। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।